नमस्कार, मैं बेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित बेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC MTS 2020 टीयर 1 का रिजल्ट जो कि 28 फरवरी को अनाउंस होने वाला था, अभी भी अनाउंस नहीं हुआ, जबकि आज 4 मार्च हो गई है। तो कितना ये रिजल्ट जो है पोस्टपोन होगा, कब तक रिजल्ट आएगा? स्टूडेंट काफ़ी परेशान है इसको लेके कि क्यों इतना डिले हो रहा है, आखिर क्या रीज़न हो सकता है, कितना और पोस्टपोन होगा, कितने टाइम के बाद रिजल्ट आएगा। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें SSC की साइट की, तो SSC की साइट लगातार चल रही है। 28 तारीख को टाइपिंग का रिजल्ट आया था, 1 तारीख को कोई भी अपडेट नहीं आया, उसके बाद लगातार अपडेट आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगातार साइट जो है वो वर्क कर रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो 3 मार्च को 1 अपडेट, 2 अपडेट, 2 अपडेट जो हैं 3 मार्च को आए हैं, उसके बाद 2 मार्च को 3 अपडेट आए हैं, 28 फरवरी को अपडेट आया है, 25 फरवरी को अपडेट आया। देखो 28 के बाद 28 तारीख को 10+2 का 2019 का टाइपिंग का रिजल्ट दिया गया, उसके बाद 1 तारीख को कोई अपडेट नहीं आया, 2 मार्च को अपडेट आया है, फिर 3 मार्च को आया। लगातार SSC की साइट जो है वो वर्क कर रही है अच्छे तरीके से, लेकिन MTS के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा? देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है, इस चीज़ को तो आपको मानना होगा। कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है कि रिज़ल्ट अभी प्रिपेयर ना हुआ हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि SSC को डेट किसी और रिज़ल्ट की देनी थी, उन्होंने MTS के रिज़ल्ट की डेट दे दी, तो कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल इसके बारे में अब मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट जो है आपका पोस्टपोन होगा। कितना पोस्टपोन होगा उसके बारे में SSC आपको बता सकती है, और ये डेट श्योर है कि 1-2 दिन के अंदर अब SSC इसके बारे में नोटिस रिलीज़ करेगी, जिसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि रिज़ल्ट किस वजह से डिले हुआ है और कब तक वो रिज़ल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर करेंगे। ये MTS 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि आप 28 तारीख से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी भी रिज़ल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। आपको करना क्या है, आप इंतज़ार करिए, और उसके अलावा अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है तो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी आप SSC की जो साइट है उसको रेगुलर विजिट करते रहिए, जैसे कोई नोटिस आएगा मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ये है कि अब आपका रिज़ल्ट तो पोस्टपोन हुआ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर रिज़ल्ट आना होता अभी तक, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा डाटा है, तब भी 4 मार्च हो गया है, 4 दिन हो गए हैं आपके, तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो कोई वजह तो ज़रूर होगी, अब वो वजह SSC ही बता सकती है। तो बहुत जल्द आपको नोटिस इसके बारे में देखने को मिलेगा, या तो रिज़ल्ट आएगा या नोटिस आएगा, दो में से एक चीज़ें होंगी। तो बस इंतज़ार करते हैं और जैसे कोई अपडेट आता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपको करना क्या, आप अपना टाइम ख़राब मत करिए। आगे जो भी आपका प्रोसेस है, चाहे एग्ज़ाम आगे आपका लगा हुआ या कोई और एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में आप अपने आप को लगाइए अच्छे तरीके से। बाकी इसका जो भी अपडेट आएगा मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप SSC MTS 2020 टीयर 2 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट टीयर 2 PDF+ वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो करना क्या है, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।